युवाओं में फिटनेस की अलग जगाने निकल पड़े हैं सीनियर सिटीजन। इनके जज्बे के सामने न उम्र स्पीड ब्रेकर बन रही है, ना ही रास्ते की कोई बाधा इनके हौसले के सामने टिक रही है। इन्हें देखने के बाद पता चलता है कि जज्बे के सामने उम्र केवल नंबर है। इन्हें 60 साल का बुजुर्ग कहा जाए या 60 साल का जवान, आप खुद ही देख लीजिए। काम की अधिकता, बेतरतीब जीवन शैली, व्यायाम से बैर जैसे कई कारण हैं जो युवाओं की फिटनेस पर भारी पड़ रहे हैं। ताज्जुब ये है कि युवाओं को अपनी फिटनेस की चिंता ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, युवाओं की फिटनेस का जिम्मा लिया है 60 से 75 वर्ष के जिंदा दिल जोशीले बुजुर्गों ने। 2000 किलोमीटर लंबी फिटनेस की अलग जगाने वाली साइकिल यात्रा में शामिल 6 सीनियर सिटीजन इस मिशन पर हैं कि कैसे युवा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, फिट रहें। उनका संदेश है कि युवा नशे से दूर रहकर अपने शरीर पर ध्यान दें। देहरादून से शुरू हुई यात्रा काजा, लेह, कारगिल, स्पीति, द्रास, जो जिला पास होते हुए पहुंचेगी जम्मू कश्मीर। यात्रा में 2000 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का ग्रुप साइकिल यात्रा पर निकला है, जिसमें 75 वर्ष तक के आयु के सीनियर सिटीजन्स भी शामिल हैं। यात्रा का एक ही मकसद है, युवाओं को फिट रहने का संदेश देना। युवा नशे से दूर रहकर अपने शरीर को स्वस्थ रखने की तरफ ध्यान दें। इसके लिए साइकिलिंग बेहतर साधन है। साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं, तो वहीं प्रकृति को नजदीक से देखने का भी अवसर मिलता है। हमारा जो ये टूर का जो मकसद है, ये 60 प्लस करके जो है हमारा ग्रुप है 6 लोगों का, उसमें 75 मैक्सिमम एज वाले हैं। तो हमारा जो मकसद है लोगों को ये संदेश देना कि फिट रहने के लिए साइकिलिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है, और आप जो है दूसरी चीजों से हटके जो नशा वगैरह से दूर रहें और साइकिलिंग करें। साइकिलिंग आज के जमाने में बहुत अच्छा हुआ, इसके द्वारा हम नेचर को देखने का एक बहुत ही बढ़िया साधन है साइकिलिंग। तो हमारा जो टोटल ये है 2000 के करीब किलोमीटर का करीब ये होगा। स्पीति वैली भी हमारा काजा ताबो नाको नाका काजा ताबो, और ये होते हुए हम लोग अटल टनल पे निकलेंगे, वहां से फिर लेह के लिए जाएंगे, और लेह से हम लोग जो है कारगिल द्रास होते हुए जो जिला पास होते हुए हम पठानकोट श्रीनगर होते हुए जाएंगे। युवाओं को फिट रहने के संदेश देने के मकसद से उनका 6 लोगों का ग्रुप साइकिल पर निकला है। युवा नशे को छोड़कर अपने शरीर पर ध्यान दें और फिट रहें। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। अगर आप स्वस्थ नहीं तो फिट नहीं, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए बहुमूल्य इस शरीर को स्वस्थ रखने पर ध्यान दें। अधिक से अधिक साइकिलिंग करें, नशे से दूर रहकर स्वस्थ रहें। कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो नशे को छोड़ करके एक नॉर्मल संस्था में बिहेवियर में लौटे, और जितनी आप उनको ये संदेश है कि आपका शरीर ही आपका सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मोटिव यह है कि एक फिटनेस की जागरूकता तमाम आज के नौजवानों को हमने देनी है। 6 बुजुर्गों का ये प्रयास सभी के लिए नजीर बनेगा। हर राज्य, शहर, कस्बे और गांव में यदि ऐसे समूह अलग जगाए तो फिटनेस के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति हर तरफ जागरूकता दिखाई देने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 प्राइम।